अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन कराम, आज मैं एक ऐसी दुखियारी माँ जी के पास मौजूद हूँ जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद की दौलत से, नेमत से तो नवाजा है, लेकिन इनके बच्चे सारे पैदाशी तौर पे अबनॉर्मल हैं, स्पेशल बच्चे हैं और आँखों से भी नाबीना हैं। इनके खावंद मेहनत मजदूरी करते हैं, गत्ता चुनते हैं, काट कबाड़ इकट्ठा करते हैं कचरे में से और इन बच्चों का पेट पाल रहे हैं। इस बहन के पास ना कोई घर है, एक कच्चा सा कमरा है या एक ये झोंपड़ी जो आपको एक छोटा सा जिसमें ये सारा दिन रहते हैं, और ये बच्चे, इनकी कंडीशन आप सबके सामने है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो के अंदर इस माँ जी का फ़ोन नंबर मौजूद है इस फैमिली का, और इसी पे इनका इजी पैसा अकाउंट भी बनाया गया है। ये बैंक में गए थे, हमने इनसे बात की थी कि अपना बैंक आईडी कार्ड में एरर की वजह से इनका अकाउंट वक्ती तौर पे ओपन नहीं करवा सके, लेकिन आप चाहें तो इनको वेस्टर्न यूनियन या किसी और तरीके से, मनीग्राम के ज़रिए या किसी और ज़रिए से आप इनको ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो इसका बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको इसके आईडी कार्ड की कॉपी और ये सारी चीज़ें जो होंगी सारी डिटेल दे दूँगा। आप इस फैमिली से डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, हम इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि अल्लाह की रज़ा की खातिर, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस तो डेली बेसिस के हैं, लेकिन कमाने वाला एक ही बुज़ुर्ग शख्स है जो गत्ता काट कबाड़ चुन के अपने बच्चों को रिज़्क हलाल खिलाता है। ये सबसे जो बड़े भाई आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी डिसेबल हैं, इसकी आँखें बिल्कुल भी नहीं हैं, आप पैदाशी तौर पर नाबीना है। ये बच्चा जो है ये बोल भी नहीं सकता, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है इसकी भी आँखें बिल्कुल ख़त्म हैं। और ये जो बच्ची आपको नज़र आ रही है छोटी सी, ये भी, इसकी दोनों आँखें ख़त्म हैं, ये बात भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। सो इसके पीछे एक और भाई बैठे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, वो भी हमारे भाई पैदाशी तौर पे डिसेबल हैं, और डिसेबल तो नहीं मतलब चल फिर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते और ना ही वो बोल सकते हैं, ना अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो में मौजूद नंबर पे रابطہ करें, इनको डोनेशंस भेजें, किसी भी किस्म की आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं इनको अप्रोच करें। तो मैं इस माँ जी से थोड़ी सी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। चार त्रै पोत्र, अच्छा, एक धी मुथाज, कैसा नहीं तल्ले दी तड्डी साड़ी कहनी खाटी कहनी बिस्तर कहनी, अच्छा। एक किलो आटा मांगते हैं ते बाल शोध कई अधे भूखे अधे रगी, कैसे कहनी घर दे जो घर वाले तो भोला कमला वही शोध गत्ते कागल चुन दे। अच्छा, तो इस माँ जी का ये कहना है कि इनके हालात बहुत ही खस्ता हैं, इनके पास कुछ ज़्यादा वसाइल नहीं, चारपाइयाँ भी जो आपको नज़र आ रही हैं, इसके अलावा ये बच्चे बेचारे अनसिक्योर रहते हैं, क्योंकि ये जिस जगह पे रहते हैं यहाँ पे कोई बिच्छू सांप भी हो सकता है, तो इस माँ को हर टाइम इनकी केयर करनी पड़ती है। आप और हम तसव्वुर करें कि एक बच्चा जिस घर में डिसेबल हो जाता है या स्पेशल बच्चा होता है, तो हम सबको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार बच्चे डिसेबल हों, स्पेशल बच्चे हों, तो वो माँ जी हर टाइम उनकी केयर में लगी रहती है। तो इनका कहना है कि इसका खावंद मजदूर शख्स है, उससे जो वो कमाता है उससे इनके ज़रूरतें बड़ी मुश्किल से पूरी होती हैं, ना इनके पास कोई कपड़े हैं ना कोई दूसरा सामान है। तो खैर, हम इनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट, इन बच्चों के लिए, इस माँ जी के लिए कपड़े वगैरह लेके आए हैं। तो इसके बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जिसने हमसे रब्ता करना हो, बेशक हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद होता है, इनके लिए कुछ फंड्स भेजने हैं, अदरवाइज़ पहली कोशिश करें कि आप डायरेक्टली इस फैमिली से अप्रोच करें। नाज़रीन, इस फैमिली के पास के लिए मेरे पास कुछ डोनेशंस हैं, फंड्स हैं, वो भी मैं देना चाहता हूँ जो वक्ती तौर पे सपोर्ट होगी। इसके बाद बाकी तो आप लोग इसके वीडियो के अपलोड होने के बाद ही आप लोग जो इनको फंड्स होंगे, डोनेशन होंगे, आप भेजेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। पहली बात है, मेरे पास इनके लिए क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, ये मां जी ये एक सूट है और ये इस बेटी के लिए, और ये भी कपड़े हैं, ये भाई साहब आपके लिए भी हैं, और ये आपके लिए और एक उस भाई के लिए है ये सूट। सो इसके बाद मेरे पास डोनेशंस हैं माँ जी आपके लिए। अम्मा जी, ये पैसे हैं 10,000 रुपये, ये 10,000 एक हमारी बहन हैं हांगकांग से, उन्होंने आपकी फैमिली के लिए भेजा, ठीक है, उनके लिए दुआओं में उन्हें याद रखिएगा। भाईजान, आप खुश हैं? जी जी, मुतमैन हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा माशाल्लाह, खुश हैं, अल्लाह ताला की जात पे खुश हैं। जी अल्लाह सोना सोख लेगा।
अल्लाह बच्चों की हयात ही बच गई। जजाक अल्लाह, उन्होंने आपके हालात, उन्होंने मुझे इजाजत दी थी कि ऐसी फैमिली जो हकदार खानदान होगा आपने उन तक ये पैसे पहुँचाने हैं, तो मैंने वो अमानत आप तक डिलीवर कर दी। बाकी ये जो कपड़े हैं ये शेख फैमिली की तरफ से हैं आपके लिए, ये शेख फैमिली हमारे एक भाई हैं यूएसए से, उन्होंने आपके बच्चों के लिए कपड़े भेजे। जी अल्लाह ताला आपसे राजी हो, अल्लाह ताला आपके बच्चों को आपकी मुश्किलात को कम फरमाए। आप खुश हैं? फ्रेंड्स, इस माँ जी का कहना है कि जब ये घर पे मौजूद होती हैं तो अपने बच्चों की केयर कर पाती हैं, अगर खुदा न खास्ता कहीं उन्हें कहीं जाना पड़े घर से बाहर, तो इन बच्चों के पानी पीने के लिए भी बहुत मुश्किलात होती हैं। ये बेचारे पानी के लिए भी तरसते रहते हैं कि इनको कहीं से कोई पानी मिल जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग, जो बहनें और भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने एज फॉर ह्यूमैनिटी पे ट्रस्ट किया, और हमारे ऐसे ही इस तरह के जो केसेस आपके सामने आते हैं आप लोग उनको अप्रोच करते हैं, मैं उन सबको सल्यूट पेश करता हूँ, स्पेशली अपने ओवरसीज़ कम्यूनिटी को, अपने पाकिस्तानी भाइयों को जो दूर बैठ के दयारे गैर में बैठ के अपने मुल्क का, अपने बहनों का, अपने भाइयों के बारे में सोचते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, इन लोगों को अप्रोच करते हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।